हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। आप सभी को हमारी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है एकादशी, कमला एकादशी। आज है मेरा फास्ट और सबका नाश्ता हो गया है। नाश्ते में मैंने बना दी थी सेवियाँ, मेरा फास्ट है। इन तीनों ने खा ली हैं, बच्चों ने और इन्होंने। और अभी थोड़ी देर में करूँगी लंच की तैयारी। और कितनी धूप हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा मौसम एकदम गर्मी लग रही है। तो थोड़ी देर मैंने लिया था रेस्ट। अभी मैं थोड़ा एडिटिंग कर रही थी क्योंकि वीडियो भी डालनी है, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है वीडियो डालने के लिए। अभी 11 कितना बज रहा है आयुषी, टाइम क्या हो रहा है? अभी 11:12 बज गया होगा, मुझे बहुत लेट हो जाता है। 12:30 12:15 हो गया है अभी। और अभी बस मैं कपड़े डाल के आई हूँ बालकनी में। और आयुषी कल गई थी फर्स्ट डे स्कूल। आयुषी का कैसा रहा एक्सपीरियंस? आयुषी कैसा लगा स्कूल में जाके? ऐसे ही मजा आया। हाँ मजा आया। मजा आया? घर में मजा नहीं आ रहा? नहीं। हाँ कुछ अच्छा लगा, मतलब कितने दिनों के बाद गई स्कूल तो? हाँ मजा आया, मतलब सबने मास्क वास्क पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग भी था। अच्छा, जब टीचर से मिलते तो अलग ही फीलिंग होता है ना। अच्छा ऐसा है। और फ्रेंड से भी मिली होगी इतने टाइम के बाद? ऑब्वियसली। और लंच करने में भी मजा आया होगा सबके साथ में? अभी तो नहीं किया क्योंकि मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे। पहले तो एक बेंच पे ऐसे गोला बना के सब लोग खाते थे। अच्छा, लेकिन अभी तो मतलब कोविड की वजह से सबको अलग अलग बिठा के रखा होगा ना, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अभी मतलब वही है कि स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन मतलब वही है कि बच्चों को उतनी छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो रूल्स सारे मानने पड़ेंगे। और बड़े बच्चों के स्कूल तो यहाँ पे खुल गए हैं। NCS, मेरी बेटी NCS में पढ़ती है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल में, तो यहाँ पे NCS अभी खुला है। प्राइवेट स्कूल तो बहुत पहले खुल गए, लेकिन मतलब नेवी वाला जो स्कूल है इन्होंने नहीं खोला है, अभी खोला है, थोड़ा लेट खोला है। और मैं तो सोच रही हूँ कि डुग्गू का स्कूल भी खुलना चाहिए क्योंकि घर में वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, इतना परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। आयुषी तभी पढ़ लेती है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। और अभी नहाने गया है, वो 12 बज गए, अभी नहाने गया है। सुबह से टीवी, लेट उठना, उसका सब ऐसे ही चलता है। लेट उठा है आज क्योंकि आज छुट्टी है तो लेट उठा है। स्कूल की वजह से जब क्लासेस रहती है तो बहुत मुश्किल से उठाना पड़ता है, 9 बजे उसकी क्लास रहती है, बहुत मुश्किल से उठता है। चलो बहुत बातें हो गई है, अभी करते हैं किचन में काम क्योंकि अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं ब्रेकफास्ट के, तो उनको साफ करूंगी और करूंगी लंच की प्रिपरेशन। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। काम हो गया है, बर्तन वगैरह वॉश कर दिए मैंने सारे। और ये भिगो दी है मैंने चने की दाल लंच के लिए। और लौकी कट कर दी है। और यहाँ बन दी है मेरी चाय, पेट पूजा, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 12:30 1 बजने वाला है और अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। और ये बन रहे हैं मेरे मखाने और मूंगफली। लगा दूंगी मैं अपनी कान्हा जी का भोग और फिर हम भी खा लेंगे। जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ मैं इनको। मैं आई हूँ बालकनी में, अब धूप हो रही है एकदम। आज ना मैंने आयुषी के शूज धो दिए थे, आयुषी के शू धो दिए थे सुबह ना, एकदम साफ हो गया। धूप निकल रही है अच्छी ना, कड़क वाली तो सूख गए, सुखा दिए थे, शू धो दिए थे इसके ना मैंने आज। और अभी हमारे बालकनी में बहुत धूप हो रही है। 5 बजे हमारे यहाँ ना क्या जाने वाला जो सूरज होता है ना, दिन छुपने वाला वो वाला सूरज आता है, मॉर्निंग की धूप नहीं रहती है। और अभी जाने वाली धूप हो रही है। आयुषी के सूज आज धो दिए थे, बहुत गंदे हो रहे थे, बहुत टाइम से सोच रही धोने के लिए, सूख गए, बढ़िया सूख गए, नहीं तो मौसम ऐसा रहता था तो सूख नहीं पाते। मैंने मशीन में ड्राई कर दिए थे, वॉशिंग मशीन में मैंने ड्राई कर दिए थे तो अच्छे से सूख गए। और कल ना शैम्पू किया था तो बाल एकदम ऐसे हो रहे हैं ना, रफ रफ से बाल। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है बेजाब का ना, बाल मेरे बहुत रफ और छोटे छोटे बाल हो गए हैं, मिनी हेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं वो कितने टाइम बाद बढ़ेंगे, पूछो ही मत बस। और आटू भी चल रही है स्केटिंग, इसकी स्केटिंग प्रैक्टिस चल रही है घर में ही, स्केटिंग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा तो फिर नीचे लेके जाएगा स्केट्स, तो नीचे जाके करेगा। और अभी खाने की करूँगी तैयारी क्योंकि आज फास्ट है, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी और आलू बॉईल करने रखूंगी। तो बस वही जा रही हूँ किचन में, लंच वंच करके ना हम लोग, मैं थोड़ा इसको पढ़ाने बैठ गई थी, इसको हिंदी का थोड़ा वर्क था इसका तो पढ़ाया था, अभी पढ़ा के आई हूँ। क्या पढ़ा आज हिंदी में?
क्वेश्चन आंसर लिखे ना। हाँ, हिंदी का इसका एक लेसन था तो टीचर ने बोला था कि खुद से पढ़ के और उसको खुद से ही रीड करो और क्वेश्चन का आंसर करो, तो वही इसको थोड़ा कराया मैंने, एक घंटे कोई वीडियो नहीं बनाई है। और बस मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, किचन में जा रही हूँ थोड़ा काम करने के लिए, आलू बॉईल कर देती हूँ। आ गई हूँ मैं किचन में, टुकू को भूख लग रही है तो पॉपकॉर्न बना रही हूँ उसके लिए, तो वो खा लेगा थोड़ा सा क्योंकि अभी लंच किए हुए बहुत टाइम हो गया, उसको भूख लगने लगी है। कुकर में तो अभी सब्जी रखी है, खाली किया नहीं है मैंने कुकर, दाल बनाई थी, दाल बच रही है अभी। इन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा भी बनाओ तो भी बच जाता है, तो बस वही है, कढ़ाई में बनाती हूँ फिर मैं ना। पॉपकॉर्न में से म्यूजिक आ रहा है, पट 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 टप पप पट 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 पट। गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खा लीजिए, डुग्गू खा रहा है। हेलो, हम सब लोग ना नीचे चले गए थे आज, और आज साज था मेरा, लेकिन मैं कभी कभी नहीं जाती हूँ, मन नहीं होता है, लेकिन मैं आज चली गई थी नीचे। और मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे होगा, पता नहीं, थोड़ा सा मैंने वॉक किया था और मुझे इतनी वीकनेस और इतनी कमजोरी लग रही है ना आज, मैं बता नहीं सकती आपको। घर आके मुझे इतने चक्कर से आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से मैंने खाना बनाया और कोई भी वीडियो शूट वगैरह नहीं किया मैंने, और बस साबुदाने की खिचड़ी बनाई बस थोड़ी सी, और बच्चे बस वही मतलब सब्जी बची थी सुबह की, दाल बची थी और उसी से खाना खा लिया उन लोगों ने, और मैंने आलू बॉईल किया था तो आलू इन लोगों ने ले लिया, और बस वही था आज का खाना, सिंपल सा डिनर। और वीडियो को शूट नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी, फिर मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई वीडियो को। और बस सब लोग सो गए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। कल मिलती हूँ मैं आपसे, बाय, टेक केयर।